अस्सलाम वालेकुम, आपके लिए लेकर आई हूँ मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं: जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा, रेड चिलीज, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक और सॉल्ट। साथ ही साथ आपको चाहिए योगर्ट, टमेटोज, ग्रीन चिली ऑयल और 1 kg चिकन। तो शुरू करते हैं। पैन में आप ऐड कीजिए ऑयल, और अच्छा खासा ऑयल होना चाहिए, हाथ हल्का नहीं रखना, बिल्कुल की ऑयल इस्तेमाल। ऑयल एक दफ़ा अच्छे से हीट अप हो जाए, हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, इसमें ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि हमने फाइनली खुद क्रश की है। अच्छे से इसको हम करेंगे इसकी भुनाई। जब अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल के अंदर भुन जाएगा, तो हम उसी के साथ उसमें शामिल कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है हमारी चिकन को। और चिकन को इसमें हमने करना है गोल्डन ब्राउन। याद रखें, गोल्डन ब्राउन करना है, क्रिस्पी ब्राउन नहीं करना, जैसे हम पुलाव के लिए करते हैं। बस हल्का हल्का सा इसको हम करेंगे ब्राउन। चिकन हो गई गोल्डन ब्राउन, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा और गोल वाली रेड चिलीज। इसको हम थोड़ा सा करेंगे इसके साथ फ्राई, फ्राई करें इसको, उसके अंदर इसके फ्लेवर्स को इन्फ्यूज होने दें। और जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ओवर ब्राउन चिकन को नहीं किया, स्लाइटली गोल्डन ब्राउन रखा है, ताकि चिकन सॉफ्ट रहे। क्रंची चिकन वैसे ही अच्छी नहीं लगती, तो चिकन जितनी सॉफ्ट और गूई लगे उतना मज़ा आता है। इसको ऐड करने के बाद, अब मैंने आफ्टर 5 मिनट्स मैंने इसमें ऐड कर दिया हमारे 3 बेसिक मसाले: नमक, हल्दी और लाल मिर्च। और साथ ही मैं ऐड कर रही इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। और फिर से आ जाए, इसकी करते हैं अच्छे से भुनाई। जैसे आप देख रहे हैं, चिकन अच्छे से उसके साथ मसालों में बन गई है, भुन गई है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। अच्छे से टमाटर आपने ऐड करने, एक दफ़ा मिक्स करें और ढक्कन दे के इसको उसकी स्टीम में पकने दें। चलो जी, लेड रिमूव करते हैं। तो देखें, टमेटोज़ ने और चिकन ने अपना पानी खुद छोड़ दिया। इसमें हमने कोई पानी शामिल नहीं किया और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही अपने टमेटोज़ के और चिकन के पानी में चिकन पकेगी। और ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है अभी से। तो हम इसको फिर से कवर करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि चिकन होनी चाहिए जितनी ज़्यादा सॉफ्ट, उतना ही मज़ा आएगा। चलिए जी, इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर और साथ ही गरम मसाला 1 टीस्पून। अभी आपके ऊपर है, आपको अगर गरम मसाला पसंद है तो आप डालें, आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं।
अब इसमें हमने ऐड करनी है योगर्ट। बॉल पे धोखा मत खाएं, योगर्ट हमें सिर्फ इसमें 2-4 टेबलस्पून्स अंदाजे से ऐड करनी है, क्योंकि फिर एक तो हमारा सारा वरना मसाला ब्लेंड हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि ओवरडू कभी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन भुनाई आपने लाजम करनी है। और मसाला थोड़ा ड्राई होना चाहिए इसका, बिल्कुल ग्रेवी लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए इस चिकन की। चले जी, वर ऑलमोस्ट देयर। मैंने ग्रीन चिलीज़ बाकी की भी ऐड कर दी हैं और इसको मैं फाइनल चूल्हा बंद करके ढक्कन दूंगी। जैसे ये अभी सिजल कर रहा है इस पॉइंट पे, ऑयल ऊपर आना शुरू हो रहा है, तो हम ढक्कन करेंगे बंद। और ढक्कन बंद करने के बाद इसको हम करेंगे दम पे, और दम पे 5 मिनट रखने के बाद हम करेंगे इसको ट्रांसफ़र हमारे बोल के अंदर, यानी कि जिस डिश में हमें इसको सर्व करना है। चलिए आपको मिलते हैं उसके बाद। लेकिन जी ऑयल ऊपर आ गया है, हमारी चिकन हो गई है तैयार, राइस हो रही है बॉयल, बिकॉज़ मुझे तो राइस के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आप रोटी के साथ भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको करूँगी डिश आउट और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।